हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक ऐसे सिद्धांत की चर्चा करने जा रहे हैं जो पूर्णतः मौलिक है, फंडामेंटल। कहने का मतलब जो पूर्णतः क्या है, मौलिक है तथा सार्वत्रिक है। फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो जब नाम माल्थस का है तो निश्चय ही सिद्धांत का प्रतिपादन माल्थस ने किया था, जिसका पूरा नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। क्या नाम था? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटेन के महान अर्थशास्त्री थे, जिनका जन्म 1766 में हुआ, 1766, और ये 1834 में कहने का मतलब 1834 में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म 1766 यानी 1766, और इनकी मृत्यु हो जाती 1834 में, 1834 में। अब सवाल यह है कि इकोनॉमिक्स थे, इनका झुकाव जनसंख्या की ओर होना एक स्वाभाविक था, स्वाभाविक पक्ष था, क्योंकि जो इकोनॉमी होती, अर्थव्यवस्था, डायरेक्टली कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से मानव जनसंख्या से जुड़ी होती है। और दूसरा जो प्रमुख पहलू था इस सिद्धांत की ओर झुकाव का, तो वो ये था कि माल्थस साहब अर्थशास्त्री तो थे, लेकिन ये मूल रूप से इनका जो विषय वस्तु था, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र या राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा जनसंख्या। अब देखो, पॉपुलेशन सिद्धांत के संदर्भ में, पॉपुलेशन थियरी के संदर्भ में या जनसंख्या सिद्धांत के संदर्भ में जो इससे संबंधित अवधारणाएं थी, पूर्व काल से ही प्रचलित थी। ये सिद्धांत दिया गया, लेकिन जो क्रियाविधि इसके अंतर्गत है, जो मौलिक अवयव इसके अंतर्गत है, ये कहा जाए तो सृष्टि के साथ ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन सृष्टि थोड़ी आगे हम चले गए, अगर हम बात करें तो मानव के विकास के साथ ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन जहां तक अवधारणात्मक विकास है, तो चीन के एक प्रमुख दर्शन शास्त्री हुआ करते थे कन्फ्यूशियस। उन्होंने सदियों पहले इस पर स्पष्ट रूप से एक विचारधारा रख दी थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, तरह तरह की अवधारणाएं और संकल्पनाएं सामने आती रही। लेकिन 1798 ईस्वी में, 1798 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने इस संदर्भ में एक निबंध की रचना की, एसे की, जिसका शीर्षक था एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक, उस पर चर्चा की। और चर्चा जब की, हिंदी में उसको क्या बनेंगे बोलेंगे, जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध, एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, अर्थात जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध। अब उस निबंध में क्या था? तो निबंध
का जो स्वरूप होता है, एक तो हमारी जो आवश्यकता होती है, जो विषय वस्तु होती है, वो उसमें महत्वपूर्ण ढंग से, कहने का मतलब मूल रूप से उसको स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ऐसे का जो डायरेक्शन होता है व्यक्ति की विचारधारा पर निर्भर करती है। यही कारण था कि ये जो ऐसे लिखा गया या निबंध उन्होंने प्रस्तुत किया, यह एक मौलिक निबंध बना, जिसका मुख्य कारण ये था कि जो माल्थस साहब थे उनकी जो विचारधारा थी वो मानवतावादी थी, अर्थात वे मानव कल्याण को अत्यधिक महत्व देते थे। मानव कल्याण के विषय वस्तु के प्रति वो क्या थे, अत्यधिक गंभीर थे, और साथ ही वो प्राकृतिक सत्यता को भी समझते थे। तो प्राकृतिक सत्यता क्या है, जिसको हम सार्वत्रिक सत्यता कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको अच्छी तरह से जानते थे। तो एक जनसंख्या के रूप में, जनसंख्या के रूप में जब कोई तत्व सामने आता है तो उसकी सत्यता क्या है, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप खुद सोचो, हम जनसंख्या के एक तत्व हैं तो हमारी प्रवृत्ति क्या है, इस जनसंख्या की वास्तविक सत्यता क्या है। तो ध्यान रखो, उनके मस्तिष्क में भी वही बातें थी जो आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। जनसंख्या के रूप में कोई भी जो पहलू है या तत्व है, जैसे मानव है, तो मानव या फिर किसी दूसरे जंतुओं की हम बात कर लें, हालांकि वो अपनी आवश्यकता को या अपनी सत्यता को अव्यक्त नहीं कर सकते हैं, या करते भी हैं तो उनको हम समझ नहीं पाते हैं। हालांकि कई जानवरों की अव्यक्ति को हम समझने का प्रयास करते हैं और हम समझ भी जाते हैं। तो मानव जीवन में या मानव जनसंख्या के रूप में देखा जाए तो मानव जीवन की सत्यता क्या है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी सत्यता क्या है, हमारी आवश्यकता, आवश्यकताएं कैसी हैं और इस आवश्यकता का मूल स्वरूप क्या है, तो मूल स्वरूप यह है कि हमारा अस्तित्व बना रहे, हम एग्जिस्ट रहें, हमारी सततता बरकरार रहे, हमारा अस्तित्व बना रहे और हमारी सततता क्या रहे, बरकरार रहे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अपने अस्तित्व करण के लिए और सततता के लिए संघर्ष होगा। तो प्राकृतिक जीवन की सत्यता, जो कहा गया कि सार्वत्रिक सत्यता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो क्या है, अस्तित्व, सततता और संघर्ष। अस्तित्व, सततता एवं संघर्ष, अभी इसको हम आगे समझाएंगे। तो मूल रूप से इसका अगर हम सारांश लेते हैं सिद्धांत का, तो ये होता है कि माल्थस साहब ने वास्तव में जनसंख्या की आवश्यकता की कहानी को बताने का प्रयास किया, जनसंख्या की आवश्यकता की कहानी को बताने का प्रयास किया। कहानी शब्द हमने लिया, वास्तव में जनसंख्या की आवश्यकता की सत्यता को बताने का प्रयास किया, और सत्यता यह है कि जीवन का अस्तित्व बना रहे, जीवन सतत रहे। लेकिन ये दो जो महत्वपूर्ण पहलू हमारे पास हैं, अस्तित्व और सततता, इसके लिए संघर्ष निश्चित होगा। और इन तीनों शब्दावलियों को लेते हुए, अस्तित्व, सततता और संघर्ष को लेते हुए या समाहित करते हुए, माल्थस के अग्रगामी ब्रिटेन के ही थे चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने एक ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया जो सत्य भी और व्यवहारिक है, और उसके लिए अपनी पुस्तक
की रचना की, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, जीवन की उत्पत्ति, जिसमें तीन मौलिक सिद्धांतों को प्रतिपादित कर लिया, जीवन है तो संघर्ष है, जीवन के लिए संघर्ष जरूरी है और उसी का अस्तित्व बचा रहेगा जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। अब सवाल देखो, हम अब लेकर यहां पर आते हैं कि जनसंख्या के रूप में हमारी आवश्यकता क्या है। तो यहां आवश्यकता से जो मतलब हमारा है, हमारा तात्पर्य है कि पूरे जीवन में हमें क्या चाहिए। या आज मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि आप अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कैसा जीवन जीना चाहते हो। तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसे मिलेगा कि हम ओमनीपोटेंट होना चाहते हैं। ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिशाली। और इस सर्वशक्तिशाली अवधारणा को पाने के लिए ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान तक संघर्ष हो रहा है, व्यक्ति से परिवार तक, परिवार से समाज तक, समाज से राष्ट्र तक, राष्ट्र से लेकर विश्व तक, वह भी एक प्रकार की आवश्यकताएं ही हैं। उस आवश्यकता में भी यही है, अस्तित्व सततता। आज बॉर्डर पर अलग अलग देशों में संघर्ष चल रहा है, किसके लिए? अस्तित्व के लिए, सततता के लिए, कि हमारे राष्ट्र का अस्तित्व बना रहे और ये सतत रहे। जीवन की भी कहानी यही है। लेकिन अगर मूल रूप से मैं आपसे बात करूं कि आप क्या चाहते हो, तो कहा कि मैं ओमनीपोटेंट हो जाऊं, सर्वशक्तिशाली हो जाऊं, विश्व के सारे संसाधन आपके पास आ जाएं, और आप क्या बन जाओ? सुप्रीम बन जाओ। लेकिन अगर हम एक दो लाइन या एक दो शब्दावली इसके लिए प्रयोग करें तो हम ये चाहते हैं, लगभग सभी यही चाहते हैं कि मैं जब जहां हूं, जिस क्षेत्र विशेष में हूं, जिस समय काल में हूं, जिस समय काल के कालखंड में हूं और जिस क्षेत्र में मैं चल रहा हूं, वहां मैं अगर चलूं तो पैंट के दोनों पॉकेट में हाथ डालकर मैं गुजरूं और विश्व के जितने भी लोग हैं आपको नमन करें, ये आपकी आवश्यकता है। कोई व्यक्ति गरीब हो, धनी हो, छोटा हो, बड़ा हो, सोचता यही है, वो अपने अस्तित्व को ऊपर लेकर जाना चाहता है और सोचता भी यह है कि अगर मैं, मेरा अस्तित्व इतने ऊपर है, मैं इतने स्तर पर, इतने हाई लेवल पर सर्वाइव कर रहा हूं, तो आने वाली मेरी पीढ़ी भी इतने ही लेवल पर कम से कम सर्वाइव करे या इससे ऊपर जाए। तो इन दोनों प्रवृत्तियों में क्या है? तो सबसे पहले जो माल्थस साहब के जो मस्तिष्क में आया कि ये जो जनसंख्या है इसका अस्तित्व कैसे बरकरार रहेगा, कैसे एग्जिस्ट करेगी, तो जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकता होती है। तो उनकी जो उन्होंने अपने सिद्धांत में आवश्यकता को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया उसको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको समझने के लिए जरूरी है कि जो हमारी आवश्यकता है कि हमारा अस्तित्व बरकरार रहे और हम सतत रहे, तो हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकताओं का दूसरा नाम हमने दिया संसाधन, रिसोर्सेज। यहां रिसोर्सेज दो प्रकार के हैं, मेटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज एंड मेंटल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधन और मानसिक संसाधन, भौतिक संसाधन और मानसिक संसाधन। भौतिक संसाधन के अंतर्गत वो सामान्य संसाधन आ जाएंगे जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, और मानसिक संसाधन के अंतर्गत ग्रेटिफिकेशन आएगा कि हमें किसी तत्व को देखकर संतुष्टि होती है या नहीं, जिसको कहते हैं ग्रेटिफिकेशन।
इन दोनों को उन्होंने आधार बताया और यहीं से उन्होंने अपने सिद्धांत की पूर्व धारणाएं निर्धारित कर दी। पहला क्या था? जनसंख्या के अस्तित्व के लिए भोजन की आवश्यकता, जनसंख्या को सर्वाइव करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? भोजन चाहिए, या उसको कई जगह बोला गया संसाधन, भरण पोषण के संसाधन चाहिए। तो भरण पोषण का संसाधन अर्थात भोजन चाहिए। और दूसरी, ये तो क्या हो गई, मटेरियलिस्टिक जो हो गई, जो मटेरियल्स हमारे पास हैं, कहा रोटी कपड़ा, तो उसमें रोटी प्रमुख है, तो उन्होंने क्या किया, खाद्य संसाधन को मौलिक माना। और हम भी मानते हैं, कहीं भी आप जाते तो कहे पहले रोटी की व्यवस्था हो जाए तो आगे हम देखेंगे। और दूसरा क्या हुआ, जो मानसिक संसाधन है वो क्या है, स्त्री और पुरुष के मध्य आकर्षण, अर्थात विपरीत लिंग के मध्य आकर्षण। ये आकर्षण अगर एक पैरामीटर के अंतर्गत होता है तभी हमारी सततता क्या होगी, बरकरार रहेगी। सततता का मतलब क्या, मैं तत्व हूं लेकिन यह चक्र आगे चलता रहेगा, कहने का मतलब रिप्रोडक्शन, पुनर्उत्पादन। हम किसी की संतान हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी भी संतान आए, उसका अस्तित्व बरकरार रहे और वो सतत रहे। लेकिन इसकी जो वैज्ञानिकता यही है कि जब तक रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाओं को संपादित नहीं किया जाएगा तब तक सततता बरकरार नहीं होगी, क्योंकि जनसंख्या के तत्व के रूप में हमारी जो एग्जिस्टेंस की अवस्था है वो लिमिट है। हमारी आयु काल जो है, जिसको उम्र बोलते हैं, वो लिमिट है, उसके बाद मैं समाप्त हो जाऊंगा और फिर हमारी संतान आएगी तो उसको सतत रखेगी। लेकिन उसकी वैज्ञानिकता क्या है कि स्त्री और पुरुष के मध्य आकर्षण होगा, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपादित होगी, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मौलिक है। और देखो, वास्तव में ये सिद्धांत, जिसे मैंने बोला कि सार्वभौमिक सिद्धांत है, यूनिवर्सल है, क्यों है? इस सिद्धांत को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर सभ्यता में, हर संस्कृति में अपने अपने रूप से समझाया गया है। चलो थोड़ा सा सब्जेक्ट से इधर हम आते हैं आपको समझाने के लिए, कहने का मतलब थोड़ा अलग जाते हैं। हम हिंदू धर्म से हैं तो उसी की बात करेंगे। हमारे धर्म में दो महाग्रंथों की बात की जाती है, भगवत गीता और रामायण। भगवत गीता में जो महाभारत का प्रसंग है किसके लिए है? जब वो शब्द आप सुनते हो ना, बी आर चोपड़ा का, अभी कोरोना काल में उसका प्रसारण भी किया गया, आप सुनते भी हो कि मैं समय हूं, तो समय जो अपनी उत्पत्ति विकास के साथ साथ जो कुछ देख रहा है किसकी विवेचना कर रहा है? सत्यता की। लेकिन महाभारत का प्रसंग किसके लिए हुआ? तो मौलिक रूप से देखा जाए तो संसाधन के लिए। लेकिन संसाधन कौन सा? भौतिक संसाधन। लेकिन वहां पर जब महाभारत का प्रसंग हम देखते हैं भगवत गीता के अंतर्गत, अब वो भगवत गीता के अंतर्गत जो महाभारत हुआ वो हुआ या नहीं हुआ, वो ऐतिहासिक प्रश्न है। लेकिन जो कहानी बताई गई उसमें सिर्फ अस्तित्वकरण की ही बातें की गई। तो इस कहानी में मानसिक संसाधन के साथ साथ भौतिक संसाधन की आवश्यकताओं और संघर्षों का एक अद्भुत मिश्रण दिखाया गया है। रामायण क्यों हुआ? मानसिक संसाधन, मानसिक अक्रांता थी, वहां सामान्य रूप से राज्य चल रहा है, कौशल में तीन रानियां हैं राजा दशरथ की, एक रानी ने डिमांड कर दिया क्योंकि मानसिक अशांति थी, वहां से शुरू होता है। फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मानसिकता के ऊपर ही है, रावण भी क्या है, मानसिक है,
ज्ञान पर जब अभिमान छा जाता है तो क्या व्यक्ति हो जाता है, रावण हो जाता है। सुपर्णखा और लक्ष्मण का प्रसंग भी मानसिक है और सीता का अपहरण तो एकदम ग्रेटिफिकेशन, कहा जाए सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का ही था वो, और मानसिक है, तो उसमें भी यही सिखाया गया। लेकिन अंत में बोला गया कि संतुलन बना रहे, तो थोड़ा ही सब्जेक्ट से हम अलग हो गए व्यवहारिकता के साथ। हमें माल्थस को रटना नहीं है, माल्थस को समझना है, माल्थस को जीना है। माल्थस मेरे सामने है, आप उसको खोजने की कोशिश तो करो। आज के वर्तमान समय में, आज के समय में स्टूडेंट क्या कर रहा है, सिर्फ तथ्य को पकड़ने की कोशिश करता है कि माल्थस इंग्लैंड का था, 1798 में एक ऐसे लिखा, जनसंख्या पर उसने बोला दो आधार है, जनसंख्या ऐसे बढ़ेगी, संसाधन ऐसे बढ़ेगी, हो गया। नहीं, लेकिन आपको समझना है, जब समझोगे तभी अच्छी विवेचना कर पाओगे। तो माल्थस हर जगह है। अब उन्होंने क्या बताया कि मानव के अस्तित्व के लिए संघर्ष, सॉरी, मानव के अस्तित्व के लिए भोजन जरूरी है, लेकिन मानव में एक जैविक यह भी है, जैविक करैक्टर, कहने का मतलब बायोलॉजिकल करैक्टर है, जैविक गुण है कि वो विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण होगा, और जब आकर्षण होगा तो रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म संपादित होगा उस आकर्षण के फलस्वरूप, तो जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो माल्थस को चिंता ये थी कि हमारे पास जो संसाधन हैं खाद्य सामग्री के साथ साथ वो सीमित हैं, लेकिन जनसंख्या क्या हो रही है, असीमित रूप से बढ़ती चली जाएगी। तो उन्होंने बताया क्या, उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बोला कि जनसंख्या की जो वृद्धि है, जनसंख्या की जो वृद्धि है वो क्या हो रही है, ज्योमेट्रिकल रूप में हो रही है। क्या हो रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस कर रही है जनसंख्या। उन्होंने बताया कि जो मौलिक तत्व हमारी है, जिस पर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो जनसंख्या जो है जनसंख्या की वृद्धि ज्यामिति रूप में होती है। कैसे होती है, ज्यामिति रूप में। ज्यामिति ढंग से होती है, यहां ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस हो रहा है, किसका, पॉपुलेशन का। जबकि संसाधन में जो वृद्धि होती है, भरण पोषण के जो संसाधन है, जीविका के जो संसाधन है, भरण पोषण के संसाधन, वृद्धि गणितीय रूप में हो रही है। कैसे हो रही है, गणितीय रूप में, अर्थमेटिक्स। गणितीय ढंग से हो रही है, कैसे, अर्थमेटिक्स रूप में। यहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारे सामने और जो भरण पोषण के संसाधन है, तो भरण पोषण के संसाधन और पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन की वृद्धि कैसे है, एक दो चार माने 1 2 4 8 32 64 128 and 256 ऐसे।
जबकि इसी वे में हम देखें तो भरण पोषण के संसाधन गणितीय रूप में बढ़ रहे हैं। तो गणितीय रूप को अगर हम लेते हैं तो तात्पर्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 यहाँ तात्पर्य ये हुआ कि जो 1, 2, 3, 4 नाइन्थ जनरेशन हम ले रहे हैं 9 बार, कि इस क्रम में अगर हम देखते हैं तो पॉपुलेशन में तो कितना 256 टाइम की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, जबकि संसाधन में वृद्धि कितनी हो गई, 9 टाइम। तो यहाँ पर स्थिति ये हो गई कि अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो रिसोर्स है, अगर हमने लिया कि ये रिसोर्स है, ये मान लिया आर फॉर रिसोर्स वर्सेस पॉपुलेशन, तो रिसोर्स कितना बड़ा, 9। इतना प्रयास हुआ तो मानव ने प्रयास किया संभववाद की परिकल्पना के साथ, तो पॉपुलेशन में कितनी, मान लो ये 9 हुआ, सॉरी संसाधन, संसाधन में कितनी वृद्धि हो गई, रिसोर्स में 9 टाइम। लेकिन वही आप देखो ये क्या हुआ, 256। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि यहां 9 रसगुल्ले या 9 समोसे हों और खाने वाले 256 लोग हों तो क्या होगा, आप खुद डिसाइड कर लो। खाने के लिए 9 रोटियां हैं और खाने वाले 256 लोग हैं, तो ये जो यहां पर पॉपुलेशन है अपने अस्तित्व और सततता के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अस्तित्व और सततता दोनों रूपों में ध्यान रखना, स्थिति जो रेशियो आ रहा है ये 9 और 256 का। तो अब इस दौरान यहां क्या होगा, आप ध्यान देना, एक टर्म हम लेंगे संघर्ष, जो काफी प्रचलित है, संघर्ष होगा। संघर्ष कई रूपों में हो सकता है, इसलिए मैंने इस सिद्धांत को यूनिवर्सल बोला कि संघर्ष तो मां के गर्भ से लेकर तब तक होता है कि जब तक लोग आपको या हमें ये बोलने के लिए तत्पर न हो जाए कि राम नाम सत्य है, संघर्ष होगा। और मां के गर्भ से लेकर और मृत्यु तक सिर्फ यही है कि हमारा अस्तित्व बना रहे और हम सतत रहें, तो संघर्ष होगा। अब इस संघर्ष में क्या होगा, सब कुछ समाप्त होने का डर बना हुआ है, सब कुछ समाप्त हो सकता है, तो हम क्या करें। अब इस प्रवृत्ति को आप देख रहे हो कि रिसोर्सेज कम है और क्या हो गया, पॉपुलेशन ज्यादा हुआ, तो इस संघर्ष को रोकने के लिए हमें जरूरी है कि इसको कंट्रोल किया जाए, किसको, पॉपुलेशन को, जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। अब परिस्थितियां जो आ रही है संघर्ष की, इसको आप एक ग्राफ के माध्यम से भी आप देख सकते हो, एक ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हो। जैसे मान लो हमें माल्थस को समझना हो, तो हमने क्या किया, एक ये ग्राफ लिया, ये समय है, टाइम। अब यहां हमने प्रयास किया तो ये तो ये रिसोर्सेज है, ये क्या है, संसाधन। और ये जो है पॉपुलेशन यहां से सीधे ऐसे बढ़ेगा, तो यहां जो होगा ये जो बिंदु हो जाएगा क्राइसिस का आ जाएगा, संघर्ष होगा। तो इतना बड़ा गैप आ गया संसाधन में और पॉपुलेशन में, ये क्या होगी, जनसंख्या,
अब आप सोचो, तो संसाधन कम है, संसाधन कम है, लोग ज्यादा हैं, तो संघर्ष होगा, और ये संघर्ष अनियंत्रित होगा। संघर्ष क्या होगा? अनियंत्रित होगा, तो पूरी की पूरी मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि इस जनसंख्या को क्या किया जाए? नियंत्रित किया जाए। तो कैसे नियंत्रित करेंगे, किस प्रकार से नियंत्रित करेंगे? तो माल्थस साहब ने कुछ उपाय बताए। माल्थस साहब ने बताया कि जो संसाधन और जनसंख्या का रेशियो है, कहने का मतलब जिसकी मात्रात्मक मात्रा में जो अंतर है, इसको कम करने के लिए, हमें, अर्थात जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं या जो भी संस्थाएं हैं, जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, कुछ अवरोध लाना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि अवरोध कई प्रकार के होते हैं। एक सकारात्मक अवरोध है और दूसरा है प्रतिबंधात्मक अवरोध, पॉजिटिव चेक तथा प्रिवेंटिव चेक। पॉजिटिव यानी सकारात्मक अवरोध, तो सकारात्मक अवरोध क्या है? उन्होंने दो अवरोध की बात की, सकारात्मक अवरोध पॉजिटिव चेक। कहने का तात्पर्य क्या है कि सकारात्मक और दूसरा आएगा प्रतिबंधात्मक। प्रतिबंधात्मक अवरोध प्रिवेंटिव चेक। दो प्रकार के अवरोध की बात की, एक तो सकारात्मक अवरोध, दूसरा प्रतिबंधात्मक अवरोध। तो प्रतिबंधात्मक और सकारात्मक, सकारात्मक में क्या है जो इस काल में चल भी रहा है? उनके अनुसार सकारात्मक अवरोध के विषय में कहा कि यह प्रकृति जो है इसका निर्धारण करेगी। जब प्रकृति को एहसास होगा वो करती रहेगी और लगातार करेगी, जैसे अकाल, फेमाइन आ गया, फिर महामारी, एपिडेमिक आ गया, जैसा कि अभी COVID-19 चल रहा है, तो ये तो पैनडेमिक हो गया। उन्होंने कहा कि अकाल पड़ेगा, महामारी आएगी, बाढ़ आएगा, सूखा पड़ेगा, भूकंप आएगा, या तो कुछ ऐसा पर्यावरण में होगा कि लोगों को अनहेल्दी फूड मिलने लगेगा, जिससे बड़े पैमाने पर जनसंख्या की क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। ये तो अजीब सी बात उन्होंने कर दिया, नाम तो दिया सकारात्मक और बोल रहे हैं कि महामारियां आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और लोगों की मौत होगी, इस पर आलोचना की जाएगी। प्रतिबंधात्मक जो अवरोध इन्होंने लगाया, इसको दो भागों में उन्होंने विभाजित किया, नैतिक और अनैतिक। नैतिक प्रतिबंधात्मक अवरोध और अनैतिक। तो नैतिक के अंतर्गत क्या था? उन्होंने कहा देर से विवाह करो या जीवन भर विवाह ही ना करो, ब्रह्मचर्य या देर से विवाह, या तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, आजीवन आप क्या करें, गृहस्थी जीवन से दूर हो जाएं, संतान उत्पत्ति के विषय में सोचे ना, या तो फिर देर से विवाह करें। अनैतिक में क्या होगा? उन्होंने कहा अनैतिक जो अवरोध है क्या होगा, तो एक शब्द हिंदी में बड़ा अच्छा लिया जाएगा, संतति निग्रह। संतति निग्रह, इसको यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां तो पॉजिटिव में आप समझ गए, तो पॉजिटिव में क्या आएगा?
जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदा आ जाएगी अर्थात नेचुरल डिजास्टर्स, फेमाइंस आएगा, फ्लड आएगा, एपिडेमिक आ जाएगी, महामारी जैसे कोविड-19 चल रही है, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, या पूरी तरह से प्रकृति ने क्या किया, लोगों के भोजन को ही विषाक्त कर दिया, जिससे हजारों हजारों लाखों लाखों लोग मरने लगे। अभी कोविड-19 शायद माल्थस की बात को सुन लिया था लेकिन मजाक में। इसमें उन्होंने क्या बोला, जो प्रतिबंधात्मक अवरोध है ये दो प्रकार का है, नैतिक और अनैतिक। उनके अनुसार तो नैतिक क्या है भाई, तो या तो ब्रह्मचर्य का पालन आप करें, ब्रह्मचर्य आजीवन क्या रहें, अविवाहित रहें, किसी से कोई सेक्सुअल रिलेशन आपका ना हो, और दूसरा देर से विवाह, देर से क्या हो, विवाह हो। तो इसको इन्होंने श्रेणी में किस में रखा, नैतिक में। अनैतिक में जैसा कहा, अनैतिक में इन्होंने कहा बर्थ कंट्रोल, जिसको हमने क्या बोला, संतति निग्रह, संतति निग्रह। बर्थ कंट्रोल, संतति निग्रह करना है, जन्म को ही रोक देना है। दूसरा इन्होंने बोला कोहैबिटेशन, कोहैबिटेशन। कई जगह हम जनजातियों में देखते हैं पत्नी एक होती है, पति कई होते हैं, जिसको यहां पर बोला जाता है कि मिश्रित संभोग या फिर अननेचुरल हैबिटेशन, अप्राकृतिक संभोग। इतनी बातें इन्होंने कही। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि संतान उत्पत्ति को हम रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो ये माल्थस साहब ने कहा था, दोनों स्थिति में सकारात्मक अवरोध और प्रतिबंधात्मक अवरोध, पॉजिटिव चेक और प्रिवेंटिव चेक, दोनों में कहीं ना कहीं क्या है, संशय है। इसको लेकर ही क्या हुई, आलोचनाएं हुई। अब आप आलोचना से पूर्व एक बार फिर से हम वापस आते हैं, माल्थस साहब कौन थे, इकोनॉमिस्ट थे। कहां के थे, ब्रिटेन के थे। जन्म कब हुआ, रिकॉल कर लें दिमाग में, 1766, 1766। मृत्यु कब हुई, 1834। सिद्धांत कब दिया, 1798 में। इससे का नाम क्या था, आपको पता होना चाहिए, इससे आन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, इकोनॉमिक्स थे लेकिन मानवता के प्रति, चूंकि इकोनॉमिक्स है तो ऐसे भी जनसंख्या की चिंता होती है, लेकिन इनका क्षेत्र ही क्या था, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी। तो उन्होंने मौलिकता को समझा, सिद्धांत के मौलिकता को, और उन्होंने सर्च किया, सोचा, जिज्ञासा उनके पास आई कि एक जनसंख्या की जो यूनिट होती है, ह्यूमन बीइंग होता है, एक मनुष्य होता है, वो क्या सोचता है। तो सोचता अस्तित्व सततता, उसका अस्तित्व बरकरार रहे, वो सतत रहे, और इसके लिए संघर्ष जरूरी होगा, तो संघर्ष होगा। अब कहा कि मानव जीवन में या किसी जीव में दो ही मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं को हमने किस में बांट दिया, भौतिक आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान, और दूसरी मानसिक आवश्यकता। तो भौतिक आवश्यकता में क्या बोला, खाद्य पदार्थ, भोजन है हमारे पास या नहीं। जीने के लिए भोजन, सबसे पहले हमें भोजन चाहिए, यानी खाद्य पदार्थ संसाधन। दूसरा क्या चाहिए, मानसिक संसाधन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की बात हो गई। तो बोला कि भोजन और
विपरीत लिंग के प्रति लोगों का क्या है, खिंचाव। तो जो खिंचाव की प्रवृत्ति, उससे पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको खाद्य सामग्री की आवश्यकता होगी, लेकिन वृद्धि दर में काफी अंतर है। जनसंख्या की वृद्धि दर तो ज्यामिति है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 9 स्टेप हमने गया तो जनसंख्या वृद्धि दर 256 गुना हो गई, और जबकि संसाधन की वृद्धि, जो भरण पोषण के संसाधन है उनकी वृद्धि दर क्या है, गणतीय स्वरूप को लेती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां क्या हुआ कि संसाधन की वृद्धि दर होते होते 9 तक पहुंची और जनसंख्या तो 256 गुना हो गई। तो इसके बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा। यदि संघर्ष होगा तो पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या का अंत हो सकता है, अतः इसे रोकना जरूरी है। तो रोकने के लिए उन्होंने कहा कि कुछ अवरोध हम लेते हैं, तो सकारात्मक अवरोध और प्रतिबंधात्मक अवरोध लिया। तो पॉजिटिव चेक के अंतर्गत उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं को दे दिया, जो कि आजकल हमें अजीब लगता है कि कैसा ये इकोनॉमिस्ट था बोल रहा है कि अकाल आएगा, महामारी आएगी, बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा और तुम्हारा भोजन ही जहर बन जाएगा, तो मौत होगी, इस तरह से प्रकृति आपको चेक कर देगी। लेकिन उन्होंने कहा प्रतिबंधात्मक में क्या कहा, नैतिक और अनैतिक। नैतिक में क्या बोला, ब्रह्मचर्य, ताउम्र, पूरे उम्र आप अविवाहित रहें, विपरीत लिंग वाले से कोई आपका संबंध न हो, रिप्रोडक्शन में कोई भूमिका ना आप निभाएं। लेकिन इस तथ्य को ध्यान रखना, आलोचना होगी हमारे यहां। फिर देर से विवाह, तो ये कुछ समझ में आता है। फिर अनैतिक में उन्होंने क्या बोला, अनैतिक में बोला संतति निग्रह, बर्थ कंट्रोल हो कुछ हद तक, लेकिन फिर बोला मिश्रित संभोग और अप्राकृतिक संभोग, कोहैबिटेशन एंड अननेचुरल हैबिटेशन। तो ये सारी बातों कहने का मतलब, जो इनके सिद्धांत की मूल आवृत्ति है वो तो सत्य है, लेकिन जो अवरोध की बात ये कर रहे हैं, यहां पर कई विद्वानों को काफी तकलीफ हुई, आलोचना होने लगी। इन्होंने आलोचनाओं को किस तरह से हम कैटेगराइज करेंगे, इसको देखो। इन्होंने कहा जनसंख्या है तो भोजन की आवश्यकता है, ये मान लिया, ये सार्वभौमिक है। लेकिन फिर बोला कि जनसंख्या वृद्धि के केंद्र में काम वासना है, जो अट्रैक्शन वाली बात थी उसको शब्द हमने ले लिया काम वासना, एक हद तक सही हो सकती है। लेकिन कई समाजशास्त्रियों ने बोला कि काम वासना की एक सीमा है, ये सामाजिक आवश्यकता है, संतान की चाहत हमारी सामाजिक आवश्यकता भी है और आर्थिक आवश्यकता भी है। कैसे, ये देख लो, भारत जैसे संस्कृति में, यहां के समाज में आप देखो, जिस स्त्री पुरुष के जो दंपत्ति हैं, अगर उनकी संतान नहीं होती तो समाज में किस निगाह से देखा जाता है। अब वो बात दूसरी है कि कई लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े ऊपर तक पहुंच गए, वो बात दूसरी है, उनका स्ट्रेटिफिकेशन दूसरा है, इशारा समझ गए होंगे। लेकिन संतान की चाहत हमारी सामाजिक आवश्यकता और आर्थिक आवश्यकता है। गरीब देशों में, विकासशील और अविकसित जो गरीब देश हैं, वहां पर संतान जो होती है आर्थिक उपागम का आधार होती है, जितनी संतान होगी उतनी कमाएगी, क्योंकि अधिकतम से अधिकतम जनसंख्या मालिक नहीं है, नौकर है, वो श्रम है। और यहाँ की जनसंख्या, विकासशील देशों और गरीब देशों की जनसंख्या के जो माता पिता, वो सोचते हैं कि हमारी श्रम की इकाई बढ़े, नंबर ऑफ यूनिट उसकी बढ़ जाए, यानी कहने हो घर में एक के बजाय 10 संतान होगी तो 10 संतान कमाएगी 10 रुपए, तो कितना हो गया 100 रुपए, एक कमाएगी तो 10 रुपए। तो सामाजिक आवश्यकता है, कितनी बड़ी सामाजिक आवश्यकता है। रोज डे टू डे लाइफ में आप पेपर में पढ़ते भी हैं कि ये जो आवश्यकताएं हैं ना, ये हमें गुलाम बना देती हैं, आवश्यकताएं हैं सब कुछ करवा देती हैं,
लेकिन कुछ आवश्यकताएं शौक वाली है तो शौक नहीं, आवश्यकता पेट वाली। कई लोग बोलते ना पापी पेट का सवाल है, पेट नहीं होता तो काम क्यों करते। तो ये सामाजिक आवश्यकता भी है। हम मालथस साहब को पूरी तरह से सत्य नहीं मान सकते और इस आधार पर सबसे ज्यादा इनके आलोचक कौन थे, कार्ल मार्क्स साहब थे। आप भारत के गांवों में घूमो, शहरों में घूमे, ये हकीकत आपको पता चल जाएगी। लेकिन मालथस की जो बात काम वासना वाली है वह भी एक लेवल तक सत्य है। दूसरा इन्होंने बोला, जो वृद्धि दर बताया इन्होंने कि जनसंख्या ज्यामिति दर से बढ़ रही है और संसाधन गणितीय दर से हो रहा है, इसमें कुछ वैज्ञानिकता, कहने का मतलब वैज्ञानिकता हो सकती है लेकिन व्यवहारिकता नहीं है। अगर आज की हम बात करें तो कई देशों में जनसंख्या नकारात्मक रूप से क्या हो रही है, बढ़ रही है यानी घट रही है, तो ये पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं है। इन्होंने जब ये बातें की सकारात्मक और प्रतिबंधात्मक अवरोध, तो यहां पर इन्होंने बात कर दिया कि प्राकृतिक आपदा आएगी, सारे मारे जाएंगे, प्रकृति इसका क्या करेगी, उपाय करेगी। और यहां पर जब लिया कि प्रतिबंधात्मक अवरोध है, नैतिक अनैतिक, ब्रह्मचर्य देर से विवाह और अनैतिक वाली बात हुई, लेकिन इन्होंने कृत्रिम अवरोध की बात नहीं की, कहने का मतलब कृत्रिम निरोध की, जबकि फ्रांस जैसे देशों में उस समय ये प्रचलित था और आज तो हमारे दैनिक जीवन का एक आवश्यक पहलू बन चुका है। तो क्यों नहीं इन्होंने बात की, कृत्रिम गर्भ निरोधक की बात नहीं की। आज के समय में देखा जाए तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ अगर आपके पास जागरूकता है तो हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। अंत में एक और तथ्य आएगा कि अगर संसाधन कम है, लोग ज्यादा हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसका आप शिकार हो, आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्या है ये, सीट कम है, लोग ज्यादा हैं, प्रतियोगिता होगी, संघर्ष नहीं, स्ट्रगल नहीं हम करवाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, यहां पर कंपटीशन होगा। जीवन में ये जो है दो शब्द है, सी स्क्वायर, कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट की बात की, कॉम्पिटिशन की क्यों नहीं बात की। आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सबकी कहानी है ये, पूरे विश्व में है। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रतिवर्ष लंप सम 1000 सीट्स आती है, फॉर्म कितने भरे जाते हैं प्राय प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो 10 से 12 लाख। किसी स्टेट पीएससी का एग्जाम देते हो तो वहां तो सीट हजार है, भरने वाले लाखों, तो क्या कह दिया जाए वहां संघर्ष होगा, नहीं, वहां पर क्या होगी, प्रतियोगिता होगी, और जो प्रतियोगिता में विजयी होगा उसी को क्या दिया जाएगा, वो सीट दी जाएगी, बाकी दूसरा काम कर सकते हैं। सॉरी, तो प्रतियोगिता एक अच्छा तरीका है। अब प्रतियोगिता में आप सोचोगे कि बाकी छट जाएंगे, नहीं, उनको प्रतियोगिता से गुणवत्ता में वृद्धि भी हो जाती है। आप वो मौलिकता है कि सबको तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ दूसरा रास्ता ले सकते हैं। अब इतनी आलोचनाओं के बावजूद, इतनी आलोचना हमने कर दी, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो मालथस साहब ने जो कहानी शुरू की थी वो सार्वभौमिक सत्य है, जनसंख्या और उसकी आवश्यकता। जनसंख्या के रूप में हम क्या चाहते हैं, हमारा अस्तित्व बरकरार रहे और हमारी सततता चले, और वास्तविक में जो संघर्ष हो रहा है, चाहे आज हो, रोड पर संघर्ष देखो, घर के अंदर संघर्ष देखो, समाज में देखो, देश में देखो, संघर्ष का मूल स्वरूप यही है। तो मालथस तो यहां 100% जीवित है। मालथस को हम नकार नहीं सकते। हां, तत्कालीन परिस्थितियां रही होगी 1798 के आसपास, उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, अपना विवेचना दी, लेकिन उन्होंने नए
सिद्धांत जैसे अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत जो आया उसके लिए भी आधार तैयार कर दिया। तो इनमें जो इनकी कमियां थी, अनेकों बार विचार विमर्श हुआ, तर्क वितर्क हुए, उसके बाद 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते नव माल्थसवाद की परिकल्पना सामने आ गई। बेसिकली 1948 में दो विद्वान आते हैं, फेयरफील्ड ऑसबर्न एंड विलियम बोक्ट। विलियम बोक्ट, फेयरफील्ड ऑसबर्न, क्या नाम है, न्यू माल्थनिज्म में आएगा, नव माल्थसवाद। नव माल्थसवाद, इसमें जो इनकी कमियां थी इन लोगों ने संशोधन किया। अगली क्लास में इस पर डिटेल हम चर्चा करेंगे।